जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू अग्निशमन सेवा। देखिए, गिरिडीह फायर में अभी लास्ट ईयर जो एयरो फायर सर्विस का पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि जो क्रैश फायर टेंडर या फोम टेंडर होता है, उसके पंप के पीछे का एक टिपिकल डायग्राम आपको बनाना था। तो आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि किसी भी पंप जो फोम लाइन होती है, उसका डायग्राम किस तरीके से आपको बनाना रहेगा। तो देखिए, मेरे पास एक ये डायग्राम है। आपको इस डायग्राम में देखिए, इस टाइप से आपको डायग्राम बनाना रहेगा। तो उसमें आपको क्या करना रहेगा, एक आपको फोम टैंक बनाना रहेगा पहले, और एक वाटर टैंक बना लीजिएगा। ठीक है, एकदम हूबहू ऐसा बनाने का कोई ड्राइंग कंपटीशन नहीं रहेगा। बाकी आपको टिपिकल डायग्राम बनाना रहेगा। उसके बाद आप एक लाइन को कनेक्ट कर दीजिएगा आपके पंप से, सेंट्रिफ्यूगल पंप से, और फोम लाइन को नीचे उतार दीजिएगा, और उसे भी एक नीचे उतार के एक फोम प्रोपोर्शनल आता है उससे कनेक्ट कर दीजिएगा, और उसके बाद इसको डायरेक्ट पंप में इनलेट कर दीजिएगा। उसके बाद आपका जो सेंट्रिफ्यूगल पंप है, इससे दो डिलीवरी आउटलेट आपको निकाल लेना है, और उसको आपको कनेक्ट कर देना है ऊपर मॉनिटर से। ठीक है, और वहीं से एक लाइन आपको निकाल के होस रेल में कनेक्ट कर देना है, और उसके अलावा आपको आउटर हाइड्रेंट कनेक्ट करने के लिए भी एक वॉल कनेक्ट कर देना है लाइन को, और होस रेल की लाइन को भी आप इससे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको एक प्राइमिंग का जो वॉल है, एक प्राइमिंग लीवर दे दीजिएगा। तो इस टाइप से आपको एक टिपिकल डायग्राम बनाना रहेगा। तो ये आपको आपके फायर सर्विस में भी काम आएगा, और आपके एग्जाम के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इस टाइप से एक डायग्राम बना सकते हैं। अगर आपको इस टाइप से, अगर आपके ही गाड़ी का, कहीं किसी गाड़ी का आपको ऐसा एक डायग्राम बनाना है, तो आप इस टाइप से बना सकते हैं। ये एक आपको एक जनरल आइडिया मैंने दिया हुआ है, और अगर आपको इस डायग्राम में कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।